साथियों, अब तक आप 275 रिकॉर्ड देख चुके हैं और अब बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 276 की। अयोध्या में राम मंदिर के लिए सैकड़ों वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद जब राम मंदिर के लिए कार्य प्रारंभ हुआ तो जमीन खुद ब खुद सबूत उगलने लगी। 11 मई 2020 से जब राम जन्मभूमि परिसर में भूमि के समतलीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ तो फिर अयोध्या की भूमि खुद ब खुद मंदिर के सबूत देने लगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद मंदिर निर्माण के लिए भूमि के समतलीकरण का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के साथ वहां मंदिर के कई पौराणिक अवशेष मिले। जो अवशेष मिले हैं उनमें खंडित मूर्तियों के अलावा पुष्प कलश, कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ, 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति आदि शामिल है। राम मंदिर निर्माण स्थल से मिले इन अवशेषों से ये साबित हो गया कि वहां प्राचीन काल में भी राम मंदिर ही था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा की थी। ट्रस्ट ने इन सभी पौराणिक वस्तुओं को संरक्षित करने का फैसला किया।